नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद मामले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तीखा पलटवार किया है। येदियुरप्पा ने उद्धव ठाकरे पर दो प्रदेशों के बीच जानबूझकर सीमा विवाद का मसला खड़ा करने को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का बयान बिल्कुल गलत और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। हम अपने प्रदेश का एक इंच हिस्सा भी नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे का बयान सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बतौर सच्चे भारतीय उद्धव ठाकरे देश के संघीय ढांचे के सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के कुछ हिस्से को महाराष्ट्र का बताया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के जरिए मराठा बोलने वाले लोगों के क्षेत्र को एक बार फिर से महाराष्ट्र में शामिल करना उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने सीमा पर अपनी जान गंवाई है। हम इसके लिए एकजुट और प्रतिबद्ध है। शहीदों को इस वादे के साथ सम्मान देना होगा। दरअसल महाराष्ट्र दावा करता आया है कि बेलगावी के कुछ इलाके प्रिंसली बॉम्बे का हिस्सा है, हालांकि फिलहाल वो कर्नाटक में है। ये इलाके भाषा के आधार पर मराठी बोलने वाले हैं, लिहाजा ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट करके कहा गया था कि कर्नाटक के कब्जे वाले इलाके को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच यह सीमा विवाद काफी पुराना है और फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बार फिर से बेलगाम कारवार और निपनी इलाकों पर दावा किया गया है, उसने इस पूरे विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। 17 जनवरी को बेलगाम और सीमावर्ती क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोगों ने शहीदी दिवस मनाया है। 1956 में इस उद्देश्य के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।